हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बखूबी एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है मेरे समझ से। तो बताना ये है कि कल जैसे ही मैंने ट्रेन में चार्ज लिया, ब्रेक वैन में चार्ज लिया, चार्ज लेने के बाद जब प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे ब्रेक वैन में कितना प्रेशर है, जैसे ही मैंने प्रेशर गेज को लगाया क्विक कपलर से, जब इसको अटैच किया, तो अटैच करने के बाद जैसे ही एंगल कॉक से जो आपका वहाँ पे जो होता है कॉक होता है, तो जैसे ही उसको ओपन किया तो हमारा जो प्रेशर गेज का जो निडल है ना, वो अचानक से निकल गया, धड़ल्ले से निकल गया। और इवन कि वो तो निकला ही, और प्रेशर का जो झटका होता है अप्रॉक्स 4.8 केजी, यानी कि 5 केजी तकरीबन हम बोल सकते हैं, तो वो उस प्रेशर का जो दबाव है हमारा जो गेज है ना, उसको झेल नहीं पाया। और क्विक कपलर थोड़ा सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि हमारा जो प्रेशर गेज है वो धड़ल्ले से नीचे ब्रेक वैन के सरफेस पे गिर पड़ा। और जैसे ही गिरा ना, तो इसका जो ऊपर का जो कवर होता है ये आप देख सकते हैं, और अफसोस की बात ये है कि इस कवर में दो छोटे छोटे स्क्रू हैं, दिए गए थे, बट मतलब जैसे ही समय बीतता गया तो ये जो दोनों का दोनों जो स्क्रू है ना, यह एक छोटा सा स्क्रू यहाँ पे है और दूसरा ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे है, तो दोनों का दोनों जो स्क्रू है वो खुल करके कहीं पे गिर गया। तो ये अभी ऐसे ही हो गया है, बस प्लग इन, बस इसको लगा देते हैं। तो शीशा तो खैर बच गया, और यू नो मेरा जो प्रेशर गेज का जो पूरा पार्ट पुर्जा जो है, निडल तो अलग से चितरा गया, और इसका जो ऊपर वाला जो कवर होता है ये जो शीशा के साथ है, ये भी चितरा गया। मतलब मेरा पूरा जो प्रेशर गेज है वो पूरा तीतर बीतर हो गया। तो आज उसी को हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और बताता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर गेज है इसको मैंने खोल दिया है, और खोलने के बाद ये जो इसका जो बैक वाला जो कवर है, ये रिवर्स साइड का कवर है, ये इस तरीके से यहाँ पे फिट बैठता है। और यहाँ पे आप दो होल देख सकते हैं, दो होल इसको ऐसे यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करके ये जो दो छोटे छोटे जो स्क्रू हैं इसको यहाँ पे फिट कर देना है, टाइट कर देना है। और ये इसका बैक पोर्शन हुआ, और ये जो है ये इसका फ्रंट पोर्शन है, और फ्रंट पोर्शन में ये शीशा वाला जो पैनल है इसको ऐसे अटैच कर देना है। अगर आपके पास स्क्रू है तो स्क्रू उसको फिट कर देना है, लेकिन मेरे पास जो है स्क्रू तो ख़त्म हो गया है, गायब हो गया है, लूज हो करके कहाँ गिर गया कुछ मालूम नहीं चलता। खैर जो भी है, तो फिलहाल ऐसे ही काम चला रहे हैं। और निडल जो हमारा निकला हुआ था, निडल को फिक्स करने के लिए मैंने इस प्रोडक्ट का यूज़ किया है, ये है फ्लैक्स क्विक, जो कि फिडलिट कंपनी से आती है, फिडलिट कंपनी से। ये जस्ट लाइक आपका फेबिक क्विक ही है, इसको मैं रखा हूँ बहुत दिन से, और ये तकरीबन 60 रुपये के आसपास आया था। देख लेते हैं इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस आप बखूबी देख सकते हैं कि 60 रुपये का ये है। तो ये बहुत, ये जो आपका जो केमिकल है, ये बेसिकली एक केमिकल होता है और बहुत सारे चीज़ों को चिपकाने में काम आता है, टाइटली पकड़ लेता है, मतलब एडिसिव है ये, तो जस्ट लाइक फेविक्विक ही है। तो इसी के थ्रू मैंने क्या किया है, इस निडल को चिपकाया हूँ, एकदम हल्का सा इसका मात्रा, ये जो पिडलिट है, सॉरी ये जो फ्लैक्स क्विक है, इसका एकदम हल्का सा अमाउंट यहाँ पे आपको देना है, थोड़ा सा मात्रा यहाँ पे देना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हैवी अमाउंट में अगर आप इसके एक्सल पे दे देंगे ना, तो ये निडल को एकदम जाम कर देगा, घूमने ही नहीं देगा। तो इसका मैकेनिज्म पहले समझ लेते हैं। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से है कि 5 kg हवा का जो प्रेशर होता है, जो एयर प्रेशर होता है, ये क्विक कपलर से होता हुआ ये नीचे की तरफ बढ़ता है, और ये जो सी टाइप का जो कॉपर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो वो भी बेसिकली वो हॉलो होता है, खोखला होता है, उसमें 5 kg हवा का प्रेशर आता है, 5 kg से कम होता है, तकरीबन 4.8 के आसपास होता है, और ये हॉलो होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है सी टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये हॉलो होता है, इसमें जब 4.8 kg हवा का जब प्रेशर आता है तो ये बेंड होता है, और ये जो है इस तरीके से ऐसे ऐसे बेंड होता है। तो ये बेंड होता है, और इसका आप स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, अंदर में एक छोटा सा स्प्रिंग होता है और पिनियम, कुछ छोटे छोटे पिनियम लगे होते हैं। तो 4.8 केजी का जब प्रेशर इसमें आता है ना, तो ये सी वाली स्ट्रक्चर को ये क्या करता है, ये बेंड करता है, और ये पिनियम जो है घूमते हैं, यानी कि 4.8 केजी का जो प्रेशर होता है उसके दबाव से ये पिनियम घूमते हैं, और जब वो पिनियम घूमता है तो इस निडल में हलचल होती है, और इस निडल को भी ट्विस्ट करता है, घुमाता है, बेसिकली यही इसका मैकेनिज्म है।
तो इसको मैंने ठीक ठाक कर दिया है। और बेसिकली इसमें मैंने क्या किया है कि ये जो पिनियम है ना, ये जो छोटे छोटे जो पिनियम यहाँ पे हैं, उसमें मैंने लुब्रिकेंट इसमें डाल दिया है। और लुब्रिकेंट डालने से क्या होगा कि थोड़ा फ्री हो जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको ब्रेक वैन में जा करके इसको टेस्ट करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो वो तो उसके मैं जब मैं ड्यूटी जाऊंगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर नहीं काम करेगा तो फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसको जमा हैंडओवर करना पड़ेगा और इसके जगह पे दूसरा अगर कोई नया वाला होगा प्रेशर गेज, तो फिर वो मुझे इशू करवानी होगी। तो ये बेसिकली फ़िलहाल इसको टेम्पोररी इसको देख लेते हैं, अगर काम करने लगेगा तो बढ़िया है। और ये तो चीज़ है, ज़्यादा कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो सारा का सारा आप बखूबी इसको जान जाएंगे कि क्या इसका मैकेनिज्म है। तो बेसिकली यही है। और इसको रिपेयर तो मैं अपने हिसाब से इसको रिपेयर मैंने कर दिया हूँ। और एक दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो हमारा जो ट्राई कलर जो टॉर्च है, इसका आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्रीन कलर वाला जो है ये बखूबी काम कर रहा है, लेकिन रेड कलर वाला जो है ना टॉर्च भी काम कर रहा है। टॉर्च आप देख सकते हैं बखूबी काम कर रहा है। और ये जो इसका जो रेड वाला जो स्विच है ना, इसका मैंने खोल के देखा कि अंदर का एक वायर का जो जो वेल्डिंग होता है वो छूटा हुआ है। वेल्डिंग नहीं बोलेंगे, सोल्डरिंग होता है, तो सोल्डरिंग जो है छूट गया है। तो जिसके चलते रेड कलर का जो इंडिकेशन होता है, रेड कलर का सिग्नल जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसको मुझे देना पड़ेगा किसी इलेक्ट्रीशियन को और जा करके यहाँ पे इसको सोल्डरिंग करवाना पड़ेगा। तो देखता हूँ, और अगर मेरे पास सोल्डरिंग आयरन होता तो मैं इसको खुद से घर पे ही कर लेता। तो कोई तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी। और बस बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल पे अगर पहली दफ़ा हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।